दिस इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में हमने पहले दो तीन वीडियोस पहले लेक्चर लगा लिए हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि विंडोज़ क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विंडोज़ कौन सी है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन विंडो हमारी कौन सी होती है, विंडो एक्सप्लोरर कौन सी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या पिछले उसमें पढ़ ली थी। और जो बेसिक होता है विंडो का कि ओपन कैसे करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, सेव कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, कॉपी कट पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीख ली थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है विंडो एसेसरीज एंड कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो विंडो एसेसरीज में हमारी कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं, उसमें हमारा था पेंट, कैलकुलेटर, नोट पैड, वर्ड पैड, साउंड रिकॉर्डर, सिस्टम टूल, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं एसेसरीज। तो सबसे पहले हम एसेसरीज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एसेसरीज में हमारे पास आता है कि होती क्या है एसेसरीज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेसरीज। सो इट रेफर्स टू द स्मॉल एंड हैंडली सॉफ्टवेयर, हैंडी सॉफ्टवेयर दैट रिमेन्स एसोसिएटेड क्लोजली कनेक्टेड विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द यूज़र विद एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे पास स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब कनेक्टेड रहते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही क्लोज रहते हैं और इनका काम क्या होता है कि यूज़र को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ताकि यूज़र को सिस्टम को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मतलब उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने, एक तरह से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना। अपने सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें एसेसरीज के थ्रू मिलती है, ठीक है। क्या होता है, सम स्मॉल एंड हैंडी सॉफ्टवेयर आर एसोसिएट विद द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर नोन एंड विंडो एसेसरीज। द मेन एग्जाम्पल ऑफ देर आर कैलकुलेटर, नोट पैड, वर्ड पैड, ठीक है। ये सारी क्या है हमारी एसेसरीज, दी ज्यादा एसेसरीज विच वी जनरली यूज बिसाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सम सिस्टम टूल इन द विंडो एसेसरीज आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मेंटेनेंस टूल के अलावा अलग सिस्टम टूल भी हमारी विंडो एसेसरीज में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा बेसिक एसेसरीज। कौन कौन सी हमारे पास बेसिक एसेसरीज, पेंट, कैलकुलेटर, नोट पैड, वही जो मैंने पीछे उसमें स्लाइड में पढ़ा है, ठीक है। तो कैसे हम एसेसरीज निकाल सकते हैं, पहले तो ये है कि स्टेप टू स्टार्ट विंडो एसेसरीज की किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं विंडो एसेसरीज को, ठीक है। बिफोर वी स्टडी विंडो एसेसरीज गिवन अबो इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड द मेथड फॉर स्टार्टिंग द विंडो एसेसरीज, कि विंडो एसेसरीज हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे। यहाँ पर हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है, सबको पता है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू पर हमने क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर ऑल प्रोग्राम पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑल प्रोग्राम है वो इस तरह से जो पूरी लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी, कंप्लीट लिस्ट हमारी ओपन होकर आ जाएगी। इस लिस्ट में से हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन क्या, एसेसरीज, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिस्ट में क्या ऑप्शन होगा, एसेसरीज, एसेसरीज जहाँ पे लिखा होगा उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। एसेसरी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एसेसरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो भी हम यूज़ करना चाहेंगे वो एसेसरी हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहले आता है पेंट। पेंट हमारा सबसे पहले होता क्या है, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, मतलब यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, पर ये क्या है सिस्टम में इनबिल्ट है, ठीक है। सिस्टम ने प्रोवाइड करवाए हैं अपने आप से, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हाँ हमें इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, नहीं, ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल है। पेंट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल ऑफ विंडो एसेसरीज। विंडो एसेसरीज का एसेसरीज से हम एक सिंपली मतलब समझें तो मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा फ़ोन है, ठीक है, उसके साथ कौन सी एसेसरीज आती है, मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए या उसका यूज़ करने के लिए प्रॉपरली हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। चार्जर मिलता है साथ में, ठीक है, एक ईयरफोन मिलता है, उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ईयरफोन का यूज़ करते हैं अपना म्यूज़िक सुनने के लिए, अपने बाकी काम के लिए। चार्जर से उसको क्या रख सकते हैं, बैटरी को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए और यूज़र अपने काम के लिए जिन भी टूल्स का यूज़ करे वो सब क्या है, एसेसरीज। अब देखो पेंट्स किस तरह से हेल्प करता है, पेंट्स भी एक टूल, पेंट्स भी एक एसेसरीज है, एक टूल है जो सिस्टम ने हमें प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। पेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू विंडो एसेसरीज, इट इज़ अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर। क्या है ये, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। वैन इट्स हेल्प, सॉरी, विद इट्स हेल्प वी कैन ड्रॉ वेरियस टाइप ऑफ पिक्चर, ठीक है। डिफरेंट टाइप की पिक्चर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें कलर फिल कर सकते हैं। तो पेंट तो सब नहीं देखा होगा, होता क्या है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो है शेप, आर्टिस्टिक ब्रशेज, स्पोर्टिंग टूल, कलर चॉइस, साइज सेटिंग और फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये सारी ऑप्शन हमें वहाँ पे पेंट में अवेलेबल हो जाते हैं। जब हम पेंट ओपन करेंगे तो इस तरह की जो पेंट विंडो है वो हमारे सामने ओपन होकर आएगी। इसको हम बोलते हैं पेंट विंडो, कि पेंट विंडो मतलब जैसे MS विंडो, मतलब किसी भी एप्लीकेशन की जैसे भी उस पर क्लिक करेंगे तो उसके हमारे सामने एक जो स्क्रीन ओपन होती है उसको हम बोलते हैं उसी एप्लीकेशन की विंडो। तो ये हमारे क्या है, एप्लीकेशन विंडो किसकी, पेंट की, ठीक है। तो शेप होती है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। शेप हमारे पास कौन सी होती है पेंट में, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, क्लाउड, स्टार्ट, हार्ट, ठीक है, स्टार, हार्ट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप हमारे पास पेंट में अवेलेबल होती हैं। आर्टिस्टिक ब्रशेज क्या रहती हैं, ब्रशेज का यूज़ करके हम अपनी जो पेंटिंग है उसको रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होती है ऑयल ब्रश, क्रायोलोन, ठीक है, जिससे मतलब वैसे भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि हम जो पेंटिंग का शौक रखते हैं उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर कलेक्शन होता है, कि ये ऑयल कलर हैं, ठीक है, ये मतलब
ये ड्राई कलर हैं, ठीक है, ये हमारे पास वाटर कलर हैं, ये क्रायलोन है, ठीक है, ये तो इसी तरह से मतलब उन कलर्स को मतलब कलर देने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज भी होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं आर्टिस्टिक ब्रशेज। उसके बाद होता है स्पोर्टिंग टूल। स्पोर्टिंग टूल हमारा होता है कि हमने पेंसिल यूज़ कर लिया, इरेजर यूज़ कर लिया, कोई भी कलर यूज़ कर लिया, ठीक है, टेक्स्ट हमने टाइप कर लिया, कोई भी वर्ड सर्च कर लिया, ठीक है, या फिर किसी तरह जो वर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमने लिख लिया, तो वो होते हैं हमारे पास स्पोर्टिंग टूल। ये इस तरह का जो पेयर होता है ना, इनको हम बोलते हैं, जैसे कलर हमने पेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो इनको हम बोलते हैं क्या, स्पोर्टिंग टूल। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास होता है कलर चॉइस। कलर चॉइस में क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी कलर हम सेलेक्ट करना चाहें, जैसे ये हमें मेन कलर दिया हुआ कि आप सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट कर लो, या पूरी लिस्ट है यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लो, या फिर क्या होता है कलर एडिट कि यहाँ पर जाकर आप अपना जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें, बनाना चाहें, वो यहाँ से कलर कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद है साइज सेटिंग। साइज सेटिंग क्या है, बाई मेकिंग यूज ऑफ द ऑप्शन साइज सेटिंग वी कैन गिव द डिजायर्ड आउटलेट विथ टू द शेप इट इन द सेवरल ऑप्शन ऑफ आउटलाइन विथ द प्रोवाइडेड, ठीक है। ये क्या है साइज सेटिंग, कि जो भी हमने अपनी जो भी मतलब बनाई है क्या शेप जो ली है, ठीक है, उसकी जो आउटलाइन है वो कैसी होगी, ठीक है, किस तरह की आउटलाइन हम उसको दे सकते हैं। देखिए ये देखो डिफरेंट डिफरेंट साइज है, जैसे हमने ये शेप ले ली किसकी, स्क्वायर की, ठीक है, तो स्क्वायर की जो आउटलाइन है वो बोल्ड होगी या इससे भी ज़्यादा हमने उसको मतलब बोल्ड साइज में करना, उससे ज़्यादा बड़ा करना इसका आउटर पार्ट, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाती है साइज सेटिंग। उसके बाद आता है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हम चूज कर सकते हैं अपनी किसका, जो भी हमारी बनाई हमने शेप या कोई भी पेंटिंग या कोई भी हमने ड्रॉ किया है कुछ भी, ठीक है, तो उसकी जो बैकग्राउंड कलर उसको हम दे सकते हैं, फोरग्राउंड कलर है वो भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि शेप में कलर किस किस तरह से फिल करते हैं हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी शेप हमने सेलेक्ट कर ली, जैसे कि हमने जो सर्कल की शेप है वो ले ली, उसके बाद क्या करेंगे शेप जैसे कि हमने आउटलाइन विड्थ, ये उसकी आउटलाइन है कि कितनी होनी चाहिए वो सेलेक्ट करी, आउटलाइन कलर की हमने इसमें कौन सा कलर देना, जैसे आउटलाइन कलर मैंने चूज़ कर लिया ये पर्पल या फिर कोई भी आउटलाइन कलर, जैसे मैंने पिंक कलर चूज़ किया, ठीक है, तो हमने आउटलाइन कलर में यहाँ पे पिंक फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिल कलर की, इसमें हमने कौन सा कलर फिल करना है, इसमें मान लो हमने जो भी कलर फिल करना है फिर वो हमने वो सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने इसमें ये वाला कलर जो है हमारा, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है, ये मैंने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। उस तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में होती है, फिल शेप में। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ड्राइंग शेप विद द माउस, ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं हम उसको मतलब शेप भी हम इसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है मतलब ये सारी ऑप्शंस क्या हैं कि किस तरह से कोई भी शेप हम लेके उसमें कलर वाला फिल कर करके अपनी जो भी प्रेजेंटेशन सॉरी जो भी अपनी जो पेंटिंग है वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एसेसरीज में सबसे पहले क्या ऑप्शन था, पेंट का। इस तरह से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारे सामने एसेसरीज है, उन सब के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक्स आता ही है बिल्कुल ही, ठीक है। तो पेंट के बारे में सबको पता होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब एसेसरीज में आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिख के आओगे, पेंट के बारे में आप सारी चीज़ें लिख के आओगे, कैलकुलेटर नोट पैड वर्ड कोई भी 5 कम से कम आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी कल पढ़ेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।